हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मैं यहाँ पे बनाऊँगी आज आलू परवल का सब्जी। तो यहाँ पे हम डाले हैं तेल में, गरम तेल में जीरा, तेजपत्ता और दो सूखी लाल मिर्च। तो जैसे ही ये थोड़ा सा भून जाए, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी हम डाले हैं ताकि तेल बाहर नहीं आए। और यहाँ पे आलू परवल हम काट के धो के रखे हैं, इसको भी अभी डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के ढक ढक के इसको फ्राई करेंगे। जब आधा पक जाएगा उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। और मसाला में हम डालेंगे जीरा, और मतलब जीरा पाउडर और हरी मिर्च, बस यही दो मसाला इसमें डालेंगे। और हाँ, ढक ढक के पकाएंगे, क्योंकि आलू और परवल जो है दोनों थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही हम काटे हैं। तो चलिए झटपट आलू परवल का सब्जी बना लेते हैं। अब सब्जी बन गया है। और यहाँ पे हम रात को जो दूध उबाल के हम रखते हैं, उसको हम बोतल में, फिर ठंडा हो जाने के बाद सुबह में बोतल में भर के फिर फ्रिज में रखते हैं। क्योंकि जिस भगोने में हम दूध उबालते हैं, वो अगर फ्रिज में रखेंगे तो पूरा एक फ्रिज ही मेरा भर जाता है। इसलिए हम बोतल में निकाल के रखते हैं। तो इससे क्या होता है, जगह भी बचता है और जब भी काम में लेने में भी सुविधा होता है। तो वही हम बोतल खाली कर रहे हैं। अब जाएंगे थोड़ा सा कपड़ा भी धोएंगे, मतलब मशीन में कपड़ा धुल रहा है तो उसको भी छत पे जाएंगे सुखाने के लिए। छत पे नहीं, बाहर धूप है तो बस ऐसे ही छत वाला सीढ़ी में सुखाने के लिए जाएंगे। मशीन में तो कपड़ा सूख ही जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा धूप लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन इतना ज़्यादा धूप है कि कपड़ा का रंग लगता है कि उड़ जाएगा, इसलिए बस सीढ़ी वाला जो घर है उसी वहीं पे हम पसार दिए हैं। और हम यहाँ पे रात हो गया है, रात मतलब शाम हो गया है। तो दूध वाला भैया आए थे, अब दूध देके चले गए हैं। अभी मैं दूध उबालूंगी तो दूध वाला भैया आ गए हैं, दूध देके चले गए। तो अभी चलिए, ये जो दूध है कल का भी थोड़ा सा रखा हुआ था और आज का भी है, तो दोनों मिला के इसको उबाल के रख देंगे। और हाँ, मेरे प्यारे प्यारे सहजी भाई बहनों को जय श्री माता जी, और मेरे दोस्त मित्र बंधु सबको हेलो नमस्ते। तो चलिए यहाँ पे आज खाना बना लेते हैं, डिनर का तैयारी करते हैं। पहले दूध उबालने के लिए बैठा देते हैं, उसके बाद तो अभी हम बनाएंगे सत्तू का कचौड़ी। तो यहाँ पे सत्तू लिए हैं, और सत्तू में डाले हैं थोड़ा सा नमक और अचार वाला तेल डाले हैं, थोड़ा सा मसाला भी डाले हैं अचार का ही, तो खट्टा खट्टा सा लगेगा, इसलिए अचार वाला ही मसाला लिए हैं। थोड़ा सा पानी डाले हैं और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐसे ही मिला लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। कचौड़ी का मैदा सान के पहले ही रख लिए हैं। और इधर हम गरम तेल, मतलब
कढ़ाई में तेल बैठाए हैं गरम करने के लिए, और कुसुम हमको बेल देगी और हम तल लेंगे। तो चलिए फटाफट कचौड़ी भी बना लेते हैं और सब्जी तो है ही। तो पकड़ के रखना पड़ेगा नहीं तो गिर जाएगा, क्योंकि ये इंडक्शन वाला कढ़ाई नहीं है। इसमें लगता है कि तेल उलट जाएगा, मतलब कढ़ाई जो है कढ़ाई उलट जाएगा, सारा तेल मेरे ऊपर गिर जाएगा, इसलिए ये वाला बंद कर देते हैं, गैस पे करते हैं हम। इस पे नहीं करेंगे, गैस पे करेंगे। Won't you be my baby?